hello everyone a very good evening this is sudhanshu bharti and we are discussing a very important topic molecular genetics for iit zam 2021 which is going to be held in second week of february these are my credentials and today's uh, topic ज जेनेटिक्स विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स और इसका ये एलेवेंथ लेक्चर है इसके सीरीज का वट यू विल गेट एट अकेडमी प्लेटफॉर्म इज डेली लाइव क्लासेज वेयर यू कैन चैट विथ योर फेवरेट एडोकेटर्स यू कैन ऑल्सो इंगेज योर डिस्कशंस यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल वेल द क्लासेज गोइंग ऑन जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज चलते रहते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन विथ रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड यू कैन गेट डिटेल एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस वेरियस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट फॉर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम दैट टू विथ अनलिमिटेड एक्सेस जहाँ एक सब्सक्रिप्शन से आप, आप सारे कोर्सेज के सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस को वॉच कर सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस फ्री लाइव क्लासेस भी हैं जैसे कि मैं क्रैश कोर्स यूट्यूब लाइव पे ले रहा हूं अभी आ, 2021 आईटी ट्वेंटी वन जैम के लिए एंड फॉर एनी सब्सक्रिप्शन एनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एट अन प्लेटफॉर्म you can use my referral code sb001 for instant 10 discount and for iit exam the subscription are uh, available are from one month to 24 months you can choose according to your convenient let's start humne uh, काफ़ी डिटेल में जेनेटिक मटेरियल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के उसके जो एक्सपेरिमेंटल uh, पर्सपेक्टिव्स थे उसको भी अच्छे से देखा उसके बाद हमने रेप्लीकेशन uh, को देखा यू uh, में प्रो में इवन वायरसेस में राइट right. पिछले क्लास में हमने जेनेटिक कोड के बारे में भी देखा और आज हम जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे जहाँ पे ट्रांसलेशन की बात करेंगे और यस yes, उससे पहले वेलकम नीरज ओके okay. <laughs> हाँ जीन एक्सप्रेशन जीन हम लोग जनरली जीन gene को नहीं जीन के एक्सप्रेशन को देखते हैं व्हाट वी आर फिनोटिपिकली इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स राइट तो जीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज जनरली एक्सप्रेस्ड प्रो प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज थ्रू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन जीन्स एंड सम जीन्स डू नॉट एक्सप्रेस थ्रू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स राइट क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्जॉन और इंट्रॉन ये सब सिक्वेंसिस क्या होते हैं दे आर मेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस तो कुछ जीन हम यहाँ पे ये रेफर कर रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं बट प्रोटीन सिंथेसिस में जो कॉम्पोनेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं जो मशीनरी यूटिलाइज हो रहे हैं उसके सिंथेसिस में ये आ, के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट बाय ड्राई वेट ऑफ एन एक्टिवली ग्रोइंग सेल एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिविंग मैटर ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स एज वी नो ये इंजाइम के बारे में हम लोग डेफिनीशन ही पढ़ते हैं कि मोस्टली जब तक राइबोजाइम का डिस्कवरी नहीं हुआ उसके पहले जितने सारे इंजाइम्स हमें अभी तक मिले थे सब प्रोटीन्स थे लेकिन ये आर एन एक्टिव एज इंजाइम इज नोन एज राइबोजाइम राइट ये क्या है एक तरीके का आर एन ए है जो कि क्या करेगा राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है <coughs> इंजाइम की तरह एक्ट करता है नाउ टी आर एन ए में भी हमने पढ़ा कि ट्वेंटी टी आर एन ए होते हैं ट्वेंटी एमिनो एसिड्स जो बेसिक एमिनो एसिड्स हैं मेनली वो ट्वेंटी टाइप्स हैं ऐसे तो हमने बा, मॉलिक्यूल्स चैप्टर में अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में कि हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं लेकिन वो सब क्या हैं उसमें से बीस ही जो है वो नेचुरल हैं बाद बाकी सब डिराइव्ड हैं वो किसी ना किसी स्टेज में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं कोई कोई ग्रुप उसमें जुड़ करके ओके एंड दीज एमिनो एसिड्स आर नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स राइट इन प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड अप बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है एंड द सीक्वेंस ऑफ़ एमिनो एसिड्स इज़ करेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन एंड डिटरमाइंस द प्रोपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन ये भी हमने पहले पढ़ा येस वेलकम प्रशोन कि एमिनो ऐसीड का सीक्वेंस प्रोटीन के सीक्वेंस को प्रोटीन के प्रॉपर्टी को और फंक्शन को डिफाइन करता है राइट एमिनो एसिड के सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि कैसे जीन से पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस तो हमने नहीं पढ़ा एमिनो एसिड का सीक्वेंस हमने पॉलीपेप्टाइड के बाद पढ़ा कि कैसे पॉलीपेप्टाइड चेंज जो एमिनो एसिड के सीक्वेंसेज होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर का बनना फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बनना एंड देन टर्सियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो कि आपका फंक्शनल प्रोटीन कहलाता है तो ये क्या है ये टर्सीरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो फंक्शनल प्रोटीन है इसके फंक्शंस कैसे डिटरमाइन होते हैं इस इस पॉलीपेप्टाइड में एसिड के सीक्वेंस से <coughs> अब ये प्रोटीन सिंथेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में राइट तो इन ट्रांसक्रिप्शन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट बाय आरएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज एमआरएनए एंड दिस एम आर एन ए माइग्रेट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाजम ड्यूरिंग विच एम आर एन ए अंडर गोज मैच्यूरेशन इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं अभी जनरली uh, जो एम आर एन ए का सिंथेसिस अगर यू कड़ियोट्स में देखें तो कहां पर होगा आर एन ए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में राइट right? ये सेल है ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डी एन एस पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका क्या हुआ आर ए बना देन दिस आर एन ए कम आउट टू सेफली बाहर आता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा ठीक है और सेफली वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं ताकि साइटोप्लाज्मिक इंजाइम से या साइटोप्लाजमिक बायोमोलिक्यूल से ये इंटरैक्ट ना करें डिग्रेड ना हो जाए अपना फंक्शनैलिटी लॉस ना कर दें इसलिए ये प्रोटेक्टिव रूप में फाइव प्राइम कैपिंग स्ट्रीप्राइम प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन ये सब हम चर्चा करेंगे अभी राइट right? तो न्यूक्लियस से कहाँ आया उसके बाद साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग विच एम आर एन ए अंडरगोज मैच्यूरेशन वहाँ होता है मैच्यूरेशन के दरमियान जो भी नॉन प्रोटीन कोडिंग सिक्वेंसेज होंगे जो कि प्रोटीन कोड नहीं करेंगे वो हटेंगे उससे कट के हटेंगे एंड दैट्स वाई दे आर दिस इज स्प्लाइसिंग ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज आर एलिमिनेटेड राइट नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन एंड द राइबोजोम बाइंड टू द एम आर एन एट द स्टार्ट कोडाउन ट्रांसलेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन एक ओवर ले लें कि कैसे कल भी हमने जब कोडाउन के बारे में पढ़ा तो एयू जी कोडाउन और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था एयू जी क्या था स्टार्ट कोडाउन जो कि को कोड करता है या इनिशिएटर कोडाउन इसको बोलते हैं ठीक है एंड ड्यूरिंग द इलांगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्सेस कंपोज ऑफ एन एमिनो एसिड लिंकोड कोडॉन और एंटीकोडॉन के बारे में भी कल हमने पढ़ा कि कैसे एम आर एन ए का जो सीक्वेंस है वो कोडॉन कहलाता है इस पर क्या मिलेंगे कोडॉन और मेरा जो टी आर एन ए है इसमें लूप था राइट right? और इस पे जो सीक्वेंस थे इस तरीके से यहां भी लूप था यह टी आर एन ए था तो ये यह यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे एंटी कोडॉन है <coughs> ना और ये दोनों एक दूसरे से फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होंगे नाउ द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एम आर एन एंड एमिनो एसिड्स आर एडेड वन बाई वन Translated into polypeptide sequence, dictated by DNA and represented by mRNA. Right? Lastly, some release factors. जैसे आपने पढ़ा कि जैसे कि कुछ जो nonsense codons होते हैं, terminating codon भी उसको बोलते हैं। वहां पे रिलीज फैक्टर उसके साथ वो फिर बाइंड होना और स्टॉप कोडाउन वहां बाइंड टू ए स्टॉप को डाउन वहां पे क्या होंगे रिलीज फैक्टर्स वहां पे बाइंड होंगे ठीक है एंड बाइंड टू ए स्टॉप को टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स चलिए एक ओवरव्यू है इसमें हम लोग पढ़े शुरू में जैसे ही सेल बायो भी हमने किया था या मोलिकुलर जेनेटिक्स तो सेंट्रल डोगमा की बात की थी सेंट्रल डोगमा में इसका मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है कि जनरली डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना ये पहले का कॉन्सेप्ट है ठीक है डीएनए से आर बनना डी से डी बनेगा दैट इज़ रेप्लीकेशन डी से आर एन बना ट्रांसक्रिप्शन एंड आर से प्रोटीन ट्रांसलेशन ये तो सेंट्रल डोगमा है ठीक है शुरू में लेकिन जैसे ही रेट्रोवाइरसेस का जब डिस्कवरी हुआ तो हम लोग सेंट्रल डोगमा रेवर्स या रिवर्स सेंट्रल डोगमा की बात करते हैं जहाँ से हम आर से डी भी बना सकते हैं बाद बाकी सीक्वेंस भी तो पहले हम यूनी डायरेक्शनल फ्लो की बात करते हैं थे सेंट्रल डोगमा में बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेट्रोवाइरसेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करते हैं आरएनए से डीएनए एन बनना जब हमने डिस्कवर uh, किया तो अब ये जो डायरेक्शन होगा बाई डायरेक्शनल होगा ठीक है सो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इट इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए टू एम आर एन ए जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जिसको ट्रांसलेशन बोलेंगे एंड द फोर लेटर लैंग्वेज ऑफ डी एन ए इज़ ट्रांसक्राइब्ड इन टू फोर लेटर लैंग्वेज ऑफ एम आर एन ए विच इज़ देन ट्रांसलेटेड इन ट्वेंटी लेटर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन ये फोर लेटर लैंग्वेज ऑफ डी ए क्या है सिंपली ए टी जी सी और ये फोर लेटर लैंग्वेज ऑफ एम आर ए क्या है ए यू जी सी ठीक है उसके बाद ट्वेंटी लेटर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन ट्वेंटी एमिनो एसिड्स है उन्हीं का वेरियस परमोटेशन कंबिनेशन में और वेरियस नंबर में मिल करके ये लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड बनना फिर उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करना सो इन क्रिक जो वॉटसन एंड क्रिक के क्रिक जो थे साइंटिस्ट 1958 में पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा एंड द सेंट्रल डोगमा प्रोसेस प्रोपोजेज यूनी डायरेक्शनल और वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए टू आर एन ए एंड टू प्रोटीन ओके सेंट्रल डोगमा रिवर्स की जब बात करें हमने जैसे फ्लो डायग्राम में हमने देखा सेंट्रल डोगमा रिवर्स और सेंट्रल डोगमा ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे फ्लो ऑफ इन्फॉर्स इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली फ्रॉम डीएनए टू आरएनए बट मे बी फ्रॉम आरएनए टू डीएनए आल्सो हो सकता है एंड टेमिन रिपोर्टेड सेंट्रल डोगमा रिवर्स टेमिन ने सेंट्रल डोगमा रिवर्स के बारे में बताया इनवर्स फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन और इसी को बोलते हैं टेमिनिज्म एंड इट वॉज रिपोर्टेड इन रेट्रोवाइरसेज और रेट्रोट्रांसपोजोन्स ऑपरेट इन साइड होस्ट सेल इन विच द इंटायर प्रोसेस इज कैटालाइज बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेट्रोवाइरसेज में ही सबसे पहले डिस्कवर किया गया और इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले टेमिन ने किया इसीलिए इसको हम लोग टेमिनिज्म के भी नाम से जानते हैं ओके okay? नाउ जीनोमिक दीज वायरसेस जो रेट्रो वायरसे की बात कर रहे हैं फर्स्ट इंथे चूंकि जेनेटिक मटीरियल है तो आर एन ए से ये पहले क्या बनाएगा जी डीएनए बनाएगा ठीक है ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और डीएनए देन ट्रांसफर इट्स इंफॉर्मेशन टू अब ये जो डीएनए बना इससे फिर आपका एम आर एन ए बनेगा और इस एम आर एन ए पे फिर क्या होंगे प्रोटीन के सिंथेसिस होंगे राइट सो डीएनए देन ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू एम आर एन ए विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन ऑफ द कोडेड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड नाउ टेमिन एंड बाल्टीमोर बाल्टीमोर टेमिन एंड बाल्टीमोर की बुक भी सेल बायोलॉजी की आती है और यह बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाइज बुक है अगर आप लोग इसको भी प्रेफर कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज गुड So Temin and डी demonstrated the synthesis of DNA टेम्पलेट इन template in RNA tumor वायरस चलिए तो ये सिंपल एक दो टर्म जो हमने पहले भी पढ़ रखा है उसी में एक दो चीज और जान लीजिए जल्दी से हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में पहले बता चुका हूं उसके बाद हम और क्या जानते हैं टेम्पलेट को ही स्ट्रैंड हो जो कि जिसपे की हम एम uh, का सिंथेसिस कहाँ करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ठीक है पॉजिटिव स्ट्रैंड, निगेटिव स्ट्रैंड, ये सब है नाउ, देखिए डीएनए में जैसे मैंने कहा कि एक रेलगाड़ी है रेलगाड़ी में सबसे पहले क्या होगा जी इंजन होगा इंजन के बाद क्या होंगे उसमें बोगी लगे होते हैं राइट right. तो ये जो बोगी को आगे खींचने का बढ़ाने का काम कौन करता है इंजन कर रहा है आपका इंजन तो इंजन जो है आपका प्रोमोटर हो गया प्रोमोट कर रहा है इन सबको प्रोमोट कर रहा है कि भाई आगे बढ़ो इनफैक्ट ये प्रोमोट क्या कर रहा है खुद ही खींच रहा है इसको बाल्टी मोर साहब नहीं अभी तो नहीं लेकिन उनका उनके नाम पे प्रोविंस है वहां पे यूएस में एंड यस आई हैव दिस बुक यस प्रश्न यस आई हैव दिस बुक ओरिजिनल तो टेमिन एंड सॉरी टेमिन बोला यहाँ जो बात है कि ये जो सबसे आगे का पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए एक्सलरेटर होना चाहिए इन सब को ये बोगीज़ को तो ये बोगी जो है ना आपके जीन्स हैं जी वन है जी टू है जी थ्री है जी फोर है, है राइट और ये जो इंजन है ना इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर यही प्रोमोट करेगा तो जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ठीक है तो प्रोमोटर की बात आती है तो देखिए जहां से आरएनए कोडिंग रीजन है मतलब कि जीन अगर हमारा जहां से जो है आर कोडिंग रीजन जहां से मिला उसके ठीक आगे यानी कि ये आपका यहां से बोगी स्टार्ट हो गया इस जगह से तो जहां से बोगी स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट आगे या उससे थोड़ा सा आगे मतलब थोड़ा सा आगे मतलब कि बीच में तो कहीं गैप भी मिल सकता है इतना गैप के बाद भी आपको प्रोमोटर रीजन मिलेगा ठीक है तो ऑलवेज प्रोमोटर रीजन ठीक है तो जहां से आर एन ए रीजन कोडिंग शुरू होता है ना वही मेरा एक्सिस मान के चलिए ठीक है जीरो एक्सिस है आपका यही ठीक है और यहां से अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं इस एक्सिस से तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम और जब यहां से ये लेफ्ट वर्ड गए और अगर ये राइट वर्ड गए दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम तो ये याद रखिएगा क्योंकि आगे इससे हमको पूरा काउंटर होने वाला है वॉट डू यू मीन बाई अप एस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ठीक है बाद बाकी प्रोमोटर रीजन का पोजीशन आप देख लीजिए जब भी होगा तो जो कोडिंग रीजन है उसके आप एस्ट्रीम होगा इंड कोडॉन क्या हुआ वही नॉनसेंस कोडॉन की बात करते हैं जो कि क्या करेगा आपका ट्रांसलेशन को एंड करा देगा वहां पे होने ही नहीं देगा ट्रांसलेशन वहां पे रिलीज फैक्टर जाके बाइंड कर जाएंगे वो उसको पकड़ने वाला कोई टी आर है ही नहीं कल भी हमने बताया है कि उसको पकड़ के लाने वाला कोई टी आर है ही नहीं उसके साथ कोई बाइंड ही नहीं करेगा और वहां पे जाते जाते, जाते रिलीज फैक्टर वहां पे बाइंड हो जाता है तो उसी जगह टर्मिनेट हो गया ठीक है तो एक ही बात है ओके चलिए तो ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ में आया प्रोमोटर रीजन का पोजीशन समझ में आया प्रोमोटर का रोल क्या है अब देखिए प्रोमोटर भी है प्रोमोटर में प्रोमोटर भी आपका होगा रेगुलेटर सिंपली बोलिए रेगुलेटर्स में जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर कुछ रेगुलेटर्स हैं अब रेगुलेटर में आपको एक्सेलेटर और ब्रेक दोनों रेगुलेटर हैं राइट तो एक्सेलटर क्या करेगा इस्पीडप करेगा यानी कि अगर इसमें एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आर को कोड करेगा ये अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो है ना और दूसरा होता है रिप्रेशर ये प्रोमोटर हो गया और एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे रिप्रेसर यहां जो प्रोमोटर रीजन है रिप्रेसर है ठीक है एक तो रिप्रेशर हो गया और एक्टिवेटर बोल सकते हैं दूसरा तो रिप्रेशर ब्रेक का, का काम करेगा रोकेगा और एक्टिवेटर क्या करेगा एक्सेलरेशन का, का काम करेगा गाड़ी का इक्विवेलेंट ठीक है तो यह कैसे आप देखिए टेम्पलेट रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसपे ट्रांसलेशन के दरमियान ये प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जहां पे यह सिक्वेंसेज uh, आप देख सकते हैं ओके चलिए नाउ वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आर का सिंथेसिस और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हो या आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया हो या यू हो मस्ट ऑल ट्रांसक्राइब जीन्स फ्रॉम देअ जीनोम्स वाइल द सेल्यूलर लोकेशन मे बी डिफरेंट यू परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में लेकिन बैक्टीरिया और आर्की कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा साइटोप्लाज्म में भी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज क्लेड कैरी आउट दिस प्रोसेस आर फंडामेंटली द सेम एंड कैन बी कैरेक्टराइज बाई थ्री स्टेजेस अब ये तीन स्टेज क्या है इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तीन स्टेज हैं इसके हम डिटेल चर्चा करेंगे लेकिन एक दो चीज और समझ लें जैसा कि हमने बताया स्ट्रैंड 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 या या सेंस सेंस एंटी इसके हमने पिछले क्लास में भी बताया जब ये इसके बारे में जब डिटेल पढ़ रहे थे खास करके वायरल में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था तो ये आगे हमको ये इनकाउंटर होने वाले हैं इसलिए इसके बारे में कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डी एन ए टेंट उसको क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन

जीवन एंड जी टू फेज ऑफ सेल साइकिल याद रखिए जीवन एंड जी टू में होगा एस फेज में क्या था आपका मेनली डीएनए का सिंथेसिस हुआ था एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का सिंथेसिस हम लोग कहां किए थे G1 जिसमें कि इंजाइम्स भी थे G2 टू फेज में भी कुछ हुआ था जैसे हिस्टोन वगैरह का हम लोग ये किए थे ठीक है नेक्स्ट तो डीएनए में भी प्रोमोटर और टर्मिनेटर साइट्स होंगे प्रोमोटर साइट्स हमने दिखाया कैसे अपस्ट्रीम होता है आर एन ए कोडिंग रीजन के अप स्ट्रीम प्रोमोटर्स होंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट द प्रोमोटर साइट एंड स्टॉप्स एट द टर्मिनेटर साइट राइबोन्यूक्लियोसाइट ट्राइफॉस्फेट्स आर ज्वाइन टूगेदर बाई आर एन ए पॉलीमरीज विद द एलिमिनेशन ऑफ फेट पी पी आई फॉस्फेट ग्रुप होते हैं सो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर ज्वाइन टूगेदर बाई आर एन ए पॉलिमरेज विद एलिमिनेशन ऑफ पायरोफॉस्फेट एंड द इंटायर इंजाइम होलो इंजाइम कहलाता है देखिए एक पहले फिगर देख लीजिए एक, एक जस्ट मिनट uh, हाँ यस आर एन ए जो पॉलीमरेज इंजाइम है ना ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है एक को बोलते हैं कोर इंजाइम और दूसरा इसमें हो गया सिग्मा फैक्टर दोनों अगर अलग अलग है तो इंजाइम इनएक्टिव होगा दोनों जब जुड़ जाएगा पॉलीमेरेज और देखिए यह डी का आ, सिक्वेंस है यह स्टार्ट यहाँ से इंड यहां से, 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 से स्ट्रैंड लेंगे। आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड किया इनिशिएशन साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया इंजाइम रहेगा सिग्मा फैक्टर डिटैच हुआ और यहाँ से का सिंथेसिस शुरू हो गया ये चेन ग्रो करते जा रहा है आर का और लास्ट में जो टर्मिनेशन साइट्स है ना हमने क्या बताया कि कुछ रेगुलेटरी सिक्वेंसेज वहां आकर करके बाइंड करते हैं रो फैक्टर वो कहलाता है रो फैक्टर टर्मिनेशन साइट पे आके बाइंड कर जाएगा वहीं पे आपका जो ये आरएनए का चेन ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा राइट चलिए तो अब वापस आते हैं कि ये राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टूगेदर द एलिमिनेशन ऑफ एंड द इंजाइम जिसको होलो इंजाइम बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ अ कोर इंजाइम एंड अ सिग्मा फैक्टर जैसा कि फिगर में आपने देखा सिग्मा फैक्टर क्या करेगा इंटरैक्ट्स विद द कोर इंजाइम टू फॉर्म द कंप्लीट इंजाइम एंड रिकोगनाइज द स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो क्या करेगा कहां से हमको स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन वो स्पेसिफाई करके उसको रिकोगनाइज करेगा यानी उसको स्पेसिफाई करेगा एंड द बाइंडिंग ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज टू डी एन ए इन्वॉल्व दी सब यूनिट फॉस्फेट राइट नाउ कोर इंजाइम बाई इट सेल्फ इज इन इफेक्टिव इन ट्रांसक्राइबिंग आर एन ए बिकॉज इट ट्रांसक्राइब्स बोथ ए स्ट्रेंड ठीक है द होलो इंजाइम ऑन द अदर हैंड ट्रांसक्राइब्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डी एन ए टेम्पलेट तो देखिए एक बार फिर हम उस फिगर पे आते हैं अब देखिए आर एन ए पॉलीमरेज में कोर इंजाइम भी है सिग्मा फैक्टर भी है कोर इंजाइम अगर यह बाइंड करेगा तो यह अनएबल होता है अपने से स्पेसिफाई करने में कि हमको कौन सा स्ट्रैंड लेना है सेंस स्ट्रैंड के रूप में इसको या इसको राइट right? लेकिन जैसे ही यह कोर इंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है ये इट गेट्स स्पेसिफिक कि हमको इसी स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करना है राइट right? ठीक है तो वंस जो होलो है ना वो सबसे पहले क्या करेगा पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा जैसे ही पोजीशन स्पेसिफाइड हो जाएगा सिग्मा फैक्टर फैक्टर इंटरैक्ट्स विद द कोर इंजाइम टू फॉर्म द कंप्लीट इंजाइम एंड रिकॉग्नाइजेस द स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द बाइंडिंग ऑफ आर एन ए पॉलिमेरेज

आर एन ए पॉलीमेरेज वन फॉर राइबोजोमल और आर आर एन एज के लिए होता है जिसमें कि आपने पढ़ा है कि तीन उसके सब यूनिट्स कौन कौन थे ट्वेंटी एट एस एटीन एस एंड फाइव पॉइंट एट एस आर एन ए पॉलीमेरेज सेकेंड फॉर एच एन आर एन एच एन आर एन ए क्या है हेट्रो न्यूक्लियर आर एन ए और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैसेंजर आर एन ए और एम आर एन ए और स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए भी इसको नाम देते हैं ठीक है थर्ड आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड फॉर टी आर एन ए के लिए होता है और आपने पढ़ा है टी आर एन ए में भी एक फाइव एस आर एन एंड सिंगल सेल्युलर आर एन एज की बात करते हैं नेक्स्ट प्रो हैव ओनली वन आर एन ए पॉलीमरेज विच सिंथेसाइजेस ऑल टाइप्स ऑफ आर एन ए ये यू में ये तीन तरह के होंगे लेकिन प्रोकार्डियोड्स में एक ही आरएनए पॉलीमेरेज होगा जो ऑल टाइप्स ऑफ आर को सिंथेसाइज करेगा एंड आरएनएरेज ऑफ ई कोलाई अगर हम बात करें तो उसमें पांच पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं कौन कौन से एक तो बीटा बीटा डैश सिग्मा अल्फा एंड ओमेगा बीटा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा इट विल बाइंड विथ सिग्मा फैक्टर बीटा डैश बाइंडिंग ऑफ आरएनए एन पॉलीमेरेज टू डीएनए सिग्मा रिकग्निशन ऑफ ए स्टार्ट सिग्नल के लिए है अल्फा प्रोमोटर रिकोगनीशन के लिए है एंड ओमेगा नॉर्मल एक्टिविटी के लिए ये जनरली इसेंशियल नहीं है एक्सेप्शनल केसेस में ये होंगे वो देखेंगे हम लोग लास्ट में ठीक है तो आर एन ए अगर ई e. कोलाई की बात करें तो उसमें पांच पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे विथ स्पेसिफिक विथ स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक फंक्शन के साथ राइट बीटा का काम क्या है सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करना बीटा डैश आर एन ए पॉलीमेर डीएनए सिग्मा अल्फा एंड वोमेगा ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए टेम्पलेट ओनली वन स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्स एम आर एन ए सेंस एंड सिंगल स्टैंडेड डी एन ए कैन ऑल्सो सर्व हैज टेम्पलेट के रूप में के बारे में आपको पता है सिंगल डीएनए भी आपको टेम्पलेट के रूप में सर्व कर सकता है एंड सम वायरसेस एंडली रेप्लीकेट थ्रू अ डबल आरएनए इंटरमीडिएट देयर इज कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द बेस रेशियो ऑफ डीएनए एंड आरएनए कॉरस्पोंडेंस रेशियो ऑफ बेस रेशियो बिटवीन द बेस रेशियो ऑफ डी एन ए आर एन ए का मतलब क्या है कि डी एन ए में अगर सौ एमिनो एसिड्स सॉरी बेसिस के सीक्वेंसेज हैं तो उसी का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा ना ये आर एन ए के रूप में दिखाई देगा ठीक है दैट्स वाई कि कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बेस रेशियो ऑफ डी एन ए एंड आर एन ए जो रेशियो डी एन ए में शो करेगा लगभग वही रेशियो आपको आर एन ए में शो करेगा तब जब इस तक स्प्लाइसिंग नहीं हुआ है स्प्लाइसिंग के बाद ये रेशियो चेंज हो सकते हैं ऑल फोर टाइप्स ऑफ राइबो ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, यूटीपी, टी पी जी टी एंड डाई मेटल आयन्स मैग्नीशियम आयन मैगनीज आयन एज को फैक्टर इज नीडेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ठीक है ये इसके अलावा ये डाई मेटल आयन्स चाहिए हमको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए और फॉर आर एन ए सिंथेसिस नो प्राइमर इज नीडेड नो प्राइमर इज फैक्टर जिसको कि रो फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अनबिंडिंग ऑफ डी एन ए डुप्लेक्स स्टेबिलाईन ऑफ अन बेस पेयरिंग सेपेरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसक्राइब आर एन एदर फैक्टर्स रो फैक्टर के बारे में हमने फिगर में देखा अब सबसे पहले अब इसमें हम लोग स्टेप्स के बारे में आते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि शायद कुछ वीडियोज़ होंगे वो ट्रांसक्रिप्शन के अगर हम देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा राइट right. इससे ओके ट्रांसक्रिप्शन देखिए ट्रांसक्रिप्शन में फिर से आप आइए वंस अगेन देखिए ओह सॉरी देखिए आर्य ने यह प्रोमोटर रीजन है प्रोमोटर रीजन के जस्ट बाद आपका ये आर ए ने बाइंड किया है ठीक है और ओके एक आ, मैं समझता हूँ कि ये जो टर्म है ना इसके पहले एक चीज़ आप ये स्प्लाइसिंग समझ लीजिए कि होता क्या है स्प्लाइसिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शन देखिए एक चीज़ आप ये समझिए कि सबसे पहले तो मुझे स्प्लाइसिंग करना है है ना जिसमें कि इंट्रॉनिक सीक्वेंस को हटाना है और प्रोटीन का जब भी सिंथेसिस होगा तो वो मतलब का ही प्रोटीन हमेशा बनेगा तो एक बार देख लीजिए उसको उसके बाद कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा आप यहाँ पे देखिए ये स्प्लाइस साइट है देखिए ये एक ज़ोन है आपका जो ये एक्जोनिक साइट है ये और ये सब इंट्रॉनिक साइट है तो हमको इंट्रॉन हम जानते हैं कि नॉन कोडिंग रीजन है ये फंक्शनल प्रोटीन कोड नहीं कर सकता है तो हमको एम आर एन ए पे जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा एक सीक्वेंस में होगा बीच में अगर इंट्रॉन होगा तो थोड़ा सा यहां सिंथेसिस करेंगे फिर अगेन इस पोजिशन पे यानी इंटरप्टेड सिंथेसिस इट विल अकर सो इन दैट केन केस इंट्रॉन विल इम्पोज एन इम्पोज अंड्रेंस तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि इंट्रॉन को यहाँ से हटा देते हैं पहले तो so, हमारे पास सिर्फ एक्सप्लाई स्प्लाइसिंग इसको हटाने के पार्ट को बोलते हैं स्प्लाइसिंग तो so, ये देखिए आप स्प्लाइस साइट बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है मेरे लिए काम का नहीं है इसको हमको काट करके हटा देंगे ठीक है और जनरली इंट्रॉन के बारे में हमने पहले पहले भी पढ़ा है कि ये क्या होते हैं कंजर्वड सीक्वेंसेस होते हैं ये जनरली ठीक है तो अब देखिए कि इसमें स्प्लाइसिंग होता कैसे है एक बार वीडियो देखने से या तो जल्दी समझ में आता है तो आप देखिए कि सीक्वेंस कैसे ये लोग लिया वंस अगेन ये क्या बोलता है स्प्लाइसिंग साइट है यहाँ पे आपका ए जो लिख रहा है ये ये ब्रांच पॉइंट है अब ये क्या होता है देखिए एग्जॉन वन और ये पूरा का पूरा इंट्रॉन सीक्वेंट हम ले लिए इन सीक्वेंस का यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है जी यू है और इंड पॉइंट ए जी है, है ना नहीं वो तो खुद भी म्यूटेशन में पार्टिसिपेट करता है खुद भी म्यूटेट होता है वो तीनों काम करता है उसमें म्यूटेशन भी होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जंप भी करते रहता है एक पोजीशन आज यहाँ है तो ये कल यहाँ आ जाएगा कल यहाँ आ जाएगा पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं और साथ ही साथ ये एग्जोनिक रीजन के बीच में भी इंसर्ट हो जाते हैं जिसके कारण प्रोटीन कोडिंग रीजन है उसका सीक्वेंस चेंज कर जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी प्रोटीन भी अलग तरीके के प्रोड्यूस होने लगते हैं ठीक है उसमें भी तो अगर खुद में उसमें म्यूटेशन होता है तो जनरली वो जो होता है म्यूटेशन कोई कामयाब म्यूटेशन नहीं है मतलब उससे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है लेकिन अपना पोजीशन चेंज करके अगर एक से रीज़न में घुस गए और इसके पूरे सीक्वेंस को चेंज कर देगा तो आ, उसमें आपका ये म्यूटेशन चेंजेस ला सकता है <coughs> अच्छा नया बैच आ, ये बाई फ्रॉम थर्टीन यस विष्णु वेलकम एंड द न्यू बैच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टीनथ ऑफ दिस जनवरी एट फाइव पी एम ठीक है सो टाइम नोट कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं इसको देखते हैं कैसे ये स्प्लाइसिंग होगा अब इंट्रॉनिक सिक्वेंस में स्प्लाइसिंग अरे माइनर म्यूटेशन होता है उसका वो प्रोटीन होता ही नहीं है म्यूटेशन माइनर म्यूटेशन तुम पढ़े हो ना पॉइंट म्यूटेशन की जो बात करते हैं अभी हम बताते हैं आप फिर वहाँ चले जाइए पॉपुलेशन पे चले जाइए इकोलॉजी आपने जो पढ़ा है इवोल्यूशन जो पढ़ा है तो वेरी लार्ज पॉपुलेशन में माइनर सा माइग्रेशन और इमिग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन के साइज में कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं ना तो इतना वास्त 6.6 पॉइंट बिलियंस ऑफ बेसिस हैं आपके पास और उसमें वो भी जो मरा हुआ जीन है जिसका कोई काम नहीं है उसमें कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं उसे क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता है है ना तो हम्म हाँ क्रैश कोर्स तो ये साइड में जो सिक्स और सेवन पीएम का है सिक्स एंड नाइन पीएम का है ये चलता रहेगा प्रश्न लेकिन फ्रॉम थर्टींथ ऑफ <coughs> January, a fresh batch for IIT exam 2020 is going to commence by an academy and team. So I was instructed to take classes at 5 p.m. for new batch, new regular batch. चलेगा वो, ठीक है? उसमें थोड़ा आराम से और पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना है. चलिए तो ये सब फैक्टर्स हैं आकर के स्प्लाइसिंग फैक्टर्स हैं यू वन यू टू ऐसे आपको याद नहीं रखना है बस आप एक मैकेनिज़्म देखो कि कौन कौन से फैक्टर्स कैसे आकर के देखिए इस पर बाइंड किया ये आपको पहले से बता रहा है कि इसमें सीक्वेंस क्या है कहाँ पे ये स्प्लाइस करेगा और वो फैक्टर्स अब आएंगे राइट आप देखिए अच्छा कुछ ही जीन मैटर तो तुम भूल कैसे जाते हो कि हमारे शरीर में जितना 6.6 बिलियन है लेकिन काम के पैंतीस हज़ार ही हैं लगभग 35,000 जीन्स हमारे पूरे शरीर को कोड और गवर्न कर रहे हैं राइट हाँ तो देखते चलिए ये तो ये देखिए कैसे मतलब ये फैक्टर्स पे आपको फिर अगेन ध्यान नहीं देना है ये एक मॉडल है और ये लाया उठा करके एग्जॉन को और देखिए यहाँ कैसे इसके साथ बाइंड कराएगा यूँ बस हमको कट कर देना है वहाँ से अब देखिए यहाँ पे कैसे स्प्लाइसो जोम बनेगा ये सब जो जो फैक्टर्स वहाँ लगे थे वो हटे हटने के बाद व्हाट इट विल डू ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे क्या होगा याद रखिएगा ट्रांस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ट्रांस स्टेरिफिकेशन वन है ये रिएक्शन हुआ जिससे कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ड्यूरिंग ट्रांस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ट्रांस स्टेरिफिकेशन का ये सेकेंड रिएक्शन हुआ और उसके बाद ये क्या हो गया स्प्लाइस्ड एग्जॉन देखिए ये पार्ट हाँ हाँ बता देते हैं अभी तो हम स्प्लाइसिंग पे आए ही कहाँ हैं लेकिन आपको बता देते हैं फिर से हम उस पर पहले आप एक वीडियो देख लोगे तो समझ में जो हम पढ़ाएं वो समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी राइट तो आप यहाँ से फिर से देखो कि कैसे यहाँ पे ट्रांसस्टेरीफिकेशन रिएक्शन में एरो दे करके बता रहा है कि ये ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन अब दूसरा हुआ ट्रांसस्टेरिफिकेशन ये स्प्लाइसिंग पार्ट जो है ना ये फिर एक दूसरे से जुड़ गया और ये हट जाएगा यहाँ से और ये जो एग्जोन पार्ट है दूसरा जो ट्रांस स्टेरिफिकेशन इसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है एग्जॉन वन एंड टू देखिए दूसरा बनेगा और ये वन और टू दोनों मिल गया स्प्लाइस्ड एग्जॉन पार्ट यानी कि आप देखिए ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट गायब और नीचे स्प्लाइस्ड रह गया हम्म फिर वही सवाल अच्छा विष्णु यस यू ये सारे के सारे आप फैक्टर्स बोलोगे यस विष्णु कि जो कि आपको हो, इस पर हम सब चर्चा करते हैं आप एक वीडियो ओवरव्यू समझ रहे हो ना फ्लो समझो हम एक एक करके इस पर फैक्टर्स जो भी हैं जो कैसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए जुड़ करके मतलब एक कॉम्प्लेक्स है जैसे मैंने कभी अभी बताया इंजाइम ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब क्या है इंजाइमेटिक हैं और इंजाइम आप पढ़े हो तो आप पढ़ते हो ना कि होलो इंजाइम वर्क करता है उसमें कोर इंजाइम को फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं तो आप वैसे ही इसको मान के चलो अभी कि इंजाइम और उसके को फैक्टर्स हैं जो कि क्या करेगा इसको स्प्लाइसिंग में मदद करेगा नाउ इट ये मेरा स्प्लाइस्ड एक्सॉन हो गया अब इस पर मतलब का मीनिंगफुल जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होगा राइट ये याद रखिएगा इसको जब जब कट गया कटने के बाद जो ये घुमा हुआ है ना इसी को बोलते हैं लैरियट इंट्रॉन ये वर्ड याद रखना शायद हम उसमें लिखें या नहीं लिखे हों लेकिन ये अलग से आप लोग लिख लीजिएगा इसको बोलते हैं लैरियट इंट्रॉन राइट अब ये उसके बाद हट गया कट के चला गया तो वो सब भी जितने जो फैक्टर्स हैं वो चले जाएंगे उसके बाद ये जब कट के हट गया डिजेनरेट कर जाएगा ये सेल के अंदर ठीक है जस्ट अब आइए ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं जरा तो अब इस पे समझ में एक बार वीडियो देख लीजिए हम्म अब बता रहे हैं भाई सब बताते हैं तुमको देखो एक बार वीडियो देखो पहले ये तो बहुत जल्दी खत्म होने को है और अब यही पार्ट हम लोग क्या है ये इधर आपका स्प्लाइसोजोम का पार्ट है ठीक है यहां प्रोमोटर रीजन है हम्म और ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के बाइंड किया राइट अब ये पॉलीमेरेज बाइंड किया उसके बाद देखिए जहां से बबल फॉर्मेशन शुरू हुआ बबल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हुआ और राइबोन्यूक्लियोटाइड आकर के एक्टिव साइट पे ज्वाइन करेगा देखिए एक्टिव साइट पे बाइंड किया और वहीं एक्टिव साइट से डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमने बताया था ठीक है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते जाएगा और ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इसके इधर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में ये आपका सिंथेसिस शुरू हो जाएगा ठीक है और इस तरीके से आप देखिए एक्टिव साइट्स मिलते जाएंगे और वहां फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन के आर का सिंथेसिस होते जाएगा ठीक है अब ये देखिए क्या ये आर एन पॉलीमरेज है आपका उसके अंदर ये बबल के फॉर्मेशन हो करके और ये निकलते जा रहा है और फिर डर डबल हेलिक्स आपका बनते चला जा रहा है इसी को बोलते हैं नैसेम आर ठीक है चलिए अब जो है हाँ यस हाँ बिल्कुल तो सब तो पढ़े हुए हो जी माइनस टेन पेयर प्रो कारियोर्ट्स और यू में सब अलग अलग आएंगे तो वो आएंगे फिर आते हैं एक बार आप देख लीजिए फिर हम एक एक करके सब को पढ़ते हैं अभी उसके बाद सारे क्वेश्चंस का भी जवाब देते चलेंगे एक साथ आपके चलिए अब इसको जरा देखिए देखिए ये क्या हो रहा है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम प्रोसेस के अपस्ट्रीम के बात है रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन जो है मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जीन है टीटीआर जीन है यहाँ लिए हैं तो ये यह यहाँ पे शुरू में आएगा इन्हांसर फिर है आपका प्रोमोटर प्रोमोटर रीजन में ही प्रोमोटर के जस्ट आगे प्रोमोटर प्रॉग्जिमल एलिमेंट बोलते हैं और उसके आगे आपको मिलेगा इन्हांसर ठीक है और ये सब का सब रेगुलेटरी रीजन कहलाएगा प्रोमोटर का और ये सारे के सारे उसमें फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं ये फैक्टर ए वन है एच एन एफ फोर है ठीक है ये सब फैक्टर्स सब में एक्टिवेटर्स आएंगे और आएंगे। को एक्टिवेटर्स आएंगे ठीक है एक्टिवेटर को एक्टिवेट करने वाले तो देखते हैं इसमें हम्म सबसे पहले तो एक्टिवेटर्स आया बाइंड किया जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एस आर बी और ये पॉलीमेरेज टू यहाँ पे आके बाइंड करेगा कार्बोक्सिल टर्मिनल जो होगा इसका एमआरएनए का एमआरएनए वाला जो हेवीली फॉस्फोराइलेटेड होगा आपको हमने बताया था कि फाइव प्राइम जो कैपिंग होना क्या करता है तो ट्रिप, ट्रिप्टोफैन ओपर ऑन अभी समझना है अब बगैर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े पढ़ लीजिएगा उसको बस थोड़ा सा धीरज रखिए अभी हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं ट्रांसलेशन के साथ उसको हम लोग ओपेरन कॉन्सेप्ट में उसको हम देखेंगे उसमें ठीक है ना पूरा फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिशन क्योंकि उससे क्वेश्चनस आते हैं तो अब आप बता रहे हो विष्णु थोड़ा सा बता दीजिए आपको लगता है ट्रिप ओपेर बस दो मिनट में बताने का चीज़ है नहीं ना तो बस एक सिक्वेंशली मैनर में हम आते हैं पहले आप इसको देख लीजिए राइट ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद हम सेकेंड क्लास में उसमें हम जो है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे देखिए यही आपका कैपिंग हो गया फाइव प्राइम कैपिंग हो गया राइट अब देखिए यहां पे साथ में स्प्लाइसोजोम स्प्लाइसिंग का काम कर रहा है ये जो है जनरली बैक्टीरिया के, के केस में है देखिए बैक्टीरिया के, के केस में जनरली सॉरी बैक्टीरिया के, के केस में तो हमको क्या है कि एसप्लाइसोजोम स्प्पलाइसिंग का कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है क्योंकि उसमें जो भी सीक्वेंसेज होते हैं जनरली वो क्या होते हैं प्रोकारियोट्स में एक्जोनिक सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉनिक रीजन होता ही नहीं है तो वहाँ स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है अब यहाँ जो आप बात कर रहे हो ना यहाँ पे देखिए कि कैसे ये एम आर एन ए का सिंथेसिस हो रहा है साथ ही साथ इंट्रॉनिक रीजन का स्प्लाइसिंग भी साइमल्टेनियसली हम लोग करते जा रहे हैं और ये एस एस बी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जिसके बारे में हमने पहले चर्चा किया ये फाइव प्राइम कैप तो हेड uh, रीजन को जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में जाएगा उससे में वेरियस इनजाइमेटिक एक्टिविटीज या वेरियस फिजिकल इन्वायमेंट से बचाने की uh, के लिए रेस्पॉन्सिबल है साथ में जो ये सब प्रोटीन्स आपको लगे हुए हैं बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग ये प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करेंगे इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे राइट right? और लास्ट में पॉली ए टेलिंग करते हैं देखिए लगभग 200 सौ ए ए का पॉली ए टेलिंग कर दिए यही मेरा जो आर है ना आपका ये कहाँ जाएगा साइटोप्लाज्म में आप फाइव प्राइम कैपिंग है उसके बाद जो इसका चेन है वो सिंगल स्टैंडर्ड बाइनिंग प्रोटीन से ये स्टेबलाइज है और लास्ट में लगभग 200 ए पॉली इसको बोलेंगे और ये जो है आपका पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है पी ए बी सेकेंड आपने देखा इसको बोलते हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन ठीक है अब ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है साइटोप्लाज्म में अब यहां पे जैसे ही आपका साइटोप्लाज्म में आया तो अब ये प्रिपेयर होगा ट्रांसलेशन के लिए राइट right, उस समय एक इनिशिएशन फैक्टर ई एल एफ फोर ई है और पॉली बाइंडिंग फैक्टर वन आकर के यहां पे साइटोप्लाज्म में बाइंड करेगा ठीक है अब देखिए आप यहां पे टीआरएनए को देख रहे हो तो ये टी आर एन ए अब क्या काम करेगा ए यू जी भी देख रहे हैं इनिशिएशन कोडॉन ये यू ए सी लेकर के यहाँ आया इसके साथ ये कोडॉन हुआ और ये टी आर एन ए में एंटी कोडाउन होगा जो इसके साथ बाइंड करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा ऑल दीज आर अकरिंग इन साइटोप्लाजम देखिए आया और यहाँ पे देखिए तो पहले आप देखिए कि यहाँ स्मॉलर सब यूनिट बाइंड किया टी आर ए बाइंड किया फिर उसके बाद लार्जर सब यूनिट बाइंड कर रहा है और उसके बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है देखिए और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जैसे है जैसे ट्रांसक्रिप्शन इसी पे अगर बार बार हो रहा है तो धीरे धीरे पॉली ए टेल जो है ना वो शॉर्ट होते चला जाता है और लास्ट में ये खत्म हो जाएगा तो ये भी डिग्रेड कर जाना है ठीक है दोनों चीज एक तो हो गया कि पॉली ए टेल का घटते जाना जैसे अभी देखिए सिक्सटी बचा हुआ है तो या तो इस एंड से यू हट ए हट जाए या फिर शुरू में इसके जस्ट पहले जो है यहां पॉली एडिनाइलेशन का जो सॉरी ये जो आपका फाइव प्राइम मिथाइल कैपिंग है ये हट गया तो इसका हेड ही डिग्रेड यानी धीरे धीरे पूरा का पूरा एमआरएन ए डिग्रेड कर जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप ठीक है <coughs> तो ये आपका जस्ट और एक लास्ट इसका है ट्रांसक्रिप्शन का देखिए ये एक लीवर का सेल रिप्रेजेंटेशन है इसमें ये क्रोमैटिन फाइबर है मतलब ये एक ओवरव्यू है कि कैसे इसमें प्रोमोटर इनहसर ये है और ये सारे फैक्टर्स हैं लीवर स्पेसिफिक एक्टिवेटर फैक्टर्स हैं एंड कोएक्टिवेटर्स हैं जो हमने पहले बताया वही चीज़ है यहाँ पे ठीक है और इसके साथ ये बाइंड करेंगे बाइंड करके यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे बाइंड करेंगे सारे ट्रांसक्रिप्शन आर्य पॉलीमरेज आया ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और उस पर ये बाइंड करके जैसे इंटेस्टाइनल सेल्स में ये बताया वहां भी यही चीज को कि कैसे यहाँ पे बाइंड करें तो ये स्पेसिफिक एक्टिवेटर इंटेस्टाइनल स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स हो जाएंगे जनरल एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर दो चीज हमेशा रहेगा एक्टिवेटर एंड को एक्टिवेटर और वो इनहांसर और प्रोमोटर प्रॉक्सिमल रीजन पे बाइंड करेंगे आकर के ठीक है और कोएक्टिवेटर इसके साथ ऐसे बाइंड करना है और फिर यहाँ पे आ रही पॉलीमरेज आया एस आर आया जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आए राइट ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स चलिए तो ये एक ओवरव्यू आप समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से अब हम इसको आ, अगर यस yes, इसी को स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को अगर फिर से हम थ्योरेटिकली जिससे क्वेश्चन आए वो अगर वीडियो जहन में है और तब हम अगर इसको पढ़ते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जानी चाहिए ठीक है राइट right? तो मैं समझता हूँ कि क्या करूं अभी कंटिन्यू करूं या नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाऊं यस विष्णु आपके सारे क्लास uh, सवाल का जवाब अब हम देंगे ठीक है ना uh, तो वेदर यस yes, प्रशोन वेदर वी शुड कंटिन्यू और इन नेक्स्ट क्लास बताइए जल्दी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं आई थिंक की इट विल बी बेटर हाँ ठीक है नेक्स्ट क्लास में करते हैं एक बार आप उसको रिविजन भी कर लीजिए और सारे क्लास यस विष्णु यू शुड बी देयर आप क्लास में रहो आपके सारे क्वेरीज का और क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं ओके थैंक यू और 9 पीएम पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स वंस अगेन okay prasun got the point yes at 9 pm vishnu at 9 pm okay today okay thank you very much